तो हम बात कर रहे हैं आज अपनी क्लासेस में फिल्टर्स रिलेटेड फॉर्मूलेस, राइट। तो हमारे पास जो डेटा है, अब इसमें हम बात करते हैं फिल्टर की फॉर्मूलेस। तो फिल्टर का फॉर्मूला क्या करता है, जैसे मान लीजिए अभी बस ओवरऑल डेटा, राइट, सारे सिटी का डेटा है और सारे इसका डेटा है, तो मुझे एक और डेटाबेस चाहिए जहाँ पे एक पर्टिकुलर का डेटा हो। जैसे मैं चाहता हूँ अमर का सिर्फ डेटा हो मेरे पास, सिर्फ अमर का ही डेटा हो, तो उसके लिए यहाँ हम टेबल टूल्स, आपको दिख रहा होगा पावर बी आई में, तो टेबल टूल्स के अंदर हम जाएंगे न्यू टेबल पे। अब न्यू टेबल पे जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया अमर, क्योंकि मुझे अमर का डेटा चाहिए, तो हमने यहाँ डाल दिया अमर, शोर आ रहा है पीछे से, प्लीज देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला लगाया, फिल्टर फॉर्मूले में आप फिल्टर फॉर्मूले के ये समझिए, टेबल एंड फिल्टर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले टेबल हमने सेलेक्ट किया वो है सीट वन। अब एक्सप्रेशन मतलब कि आपको इस सीट वन में किस कॉलम में क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ दिया नेम, सीट नेम इक्वल टू हमने बोला अमर जी, राइट, ओके। और यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया अमर का ही आ गया सर, ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि मुझे अमर और पूजा दोनों का डेटा चाहिए, तो इसको हम ब्रैकेट में लेंगे और इस पे हम प्लस सेम लिखेंगे यहाँ पे नेम, प्लस और मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, प्लस होता है और के लिए एंड होता है मल्टीप्लाई के लिए, इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया कि ये पूजा होना चाहिए। और इसको लेकिन ब्रैकेट में रखिएगा जरूर, अगर ब्रैकेट में ना रखिएगा तो फिर आपका डेटा रिजल्ट नहीं देगा, सो ब्रैकेट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ देखिए पूजा और अमर का डेटा आ गया जी, ठीक है, ओके। तो फिल्टर फॉर्मूले में आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिल्टर लेके आते हैं। इसमें हमने प्लस का साइन लगाया जब मुझे मोर देन वन कंडीशन, जैसे कि आपको और लगाना है, जैसे तीन चार कंडीशंस करने हैं, तो आप यहाँ प्लस 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 करते चले जाए। अब एंड का फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए मुझे जिसकी एमआरपी ग्रेटर देन 50 हो, राइट, ओके। तो ओके। मैं यहाँ इस फॉर्मूले को यहाँ से अभी डिलीट करता हूँ और हम यहाँ पर लिखते हैं एमआरपी और सेलेक्ट करके हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 50 कर लिया, तो जो 50 से ऊपर वाले एम आर पी हैं सारे के सारे यहाँ उठ के आ रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए अमर का ग्रेटर देन 50 वाले एम आर पी। तो मैं यहाँ इस जो पहली कंडीशन लगाया है इसको मैं डालूंगा ब्रैकेट्स में, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट जरूरी है जी, और इस पे डालूंगा मल्टीप्लाई का साइन और फिर यहाँ हम करेंगे अगेन नेम और नेम में हमने इक्वल टू कर दिया अमर और इसको भी ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया। अब एंटर प्रेस करें तो आप देखिए अमर लेकिन एमआरपी इज ग्रेटर देन 50, क्लियर है जी, क्लियर है। तो यहाँ हमारा फिल्टर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि मेरे पास ऑलरेडी ओवरऑल डेटा है, अगर मुझे डेटा देखना ही है तो मैं यहाँ इसी पे अमर को फिल्टर कर लूँगा तो डेटा मेरा दिख जाएगा, बिल्कुल। तो फिर हमने एक नया टेबल क्यों बनाया। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें यहाँ डेटा देखने के लिए हमने नहीं बनाया है, हमने उसको यूज करने के लिए बनाया है। तो यूज इन द सेंस जैसे कि हमने टेबल पे गए, हमें क्या करना है सिटी वाइज रिपोर्ट निकालनी है, राइट जी। तो हमने यहाँ पे टेबल ही ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एक टेबल लिया जिसमें हमने अपना सिटी और अपनी क्वांटिटी का रिपोर्ट निकाल लिया, तो ये जो निकला ये हमारा ओवरऑल निकला है। उसके बाद मैं एक और सिटी और निकालना चाहता हूँ जो कि सिर्फ अमर का होना चाहिए, समझे जी सर। तो उस क्योंकि मान लीजिए अमर हमारा इनाउस का बंदा है तो एक सेल सिर्फ अमर के हिसाब से होनी चाहिए,
तो यहाँ अगर मान लीजिए कि हम कैसे अमर डालेंगे, क्योंकि यहाँ नाम का कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम तो है नहीं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ, एक मिनट मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। तो यहाँ हमने क्वांटिटी डाल दिया और अगेन हमने सिटी डाल दिया, सिटी वाइज आ गया। अब यहाँ फिल्टर्स है, तो फिल्टर्स में यहाँ सिटी डाला हुआ है, यहाँ पे ऐड फील्ड पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड फील्ड दिख रहा है, इस पर हम डालेंगे नेम और यहाँ हम अमर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अमर का टोटल आपको दिख रहा है, सिटी वाइज दिख रहा है जी। मैं क्वांटिटी को नीचे कर दूंगा तो सिटी और यहाँ दिख, अब दिखेगा हाँ, स्वेप कर देंगे तो ओके। अब अगर मैं स्लाइसर इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे स्लाइसर, तो हाँ स्लाइसर जो है इसके ऊपर हमने मान लीजिए नेम के हिसाब से रख दिया और यहाँ हमने अपना ड्रॉप बॉक्स ले लिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो यह अमर का टोटल आ गया, मैं यहाँ पे अशोक किया तो अशोक का टोटल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाई आ रहा है, दिख रहा है भाई? हाँ कुछ आ रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं आ रहा भाई? नहीं वैसे तो उसकी क्वांटिटी और नेम नहीं आ रहा सिटी का, सिर्फ बाई आ रहा है। हाँ क्वांटिटी में टी के जगह पे वाई आ गया, वाई टूट के नीचे आ गया, समझ गए? ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा होने के पीछे रीजन ये था कि हमारा जो ये डेटा है ये लिंक है हमारे सीट वन से, और स्लाइसर के ऊपर नियम होता है कि स्लाइसर में आप अगर आप डेटा जो भी लिंक है उस डेटा से, जितने भी उस डेटा से क्रिएटेड चार्ट्स हैं वो सारे इफेक्ट करेंगे। तो मेरे पास दूसरा चांस है कि मैं एक अलग डैशबोर्ड बनाऊं जहां अमर का सिर्फ हो, तो यहां पे प्रॉब्लम हो गई। तो मैं अलग डैशबोर्ड अलग विजुलाइजेशन ना बना के हमने इसी का एक क्लोन हमने बना लिया, एक क्लोन टेबल बना जो कि सिर्फ अमर का डेटा लोड करता है। तो अब जो मैं यहाँ पे डेटा रखा, चाहे डेटा रखिए या विजुलाइज रखिए मतलब चार्ट्स रखिए, अब मैंने इसमें से अमर से ले लिया कि यहाँ पे नेम और इसकी क्वांटिटी, राइट ठीक। और अमर नेम आप कीजिएगा, नेम हटा देता हूँ, सिटी का नेम भी रख देता हूँ, सिटी भी डाल देता हूँ, क्या दिक्कत इसमें? यह आ गया। अब इस पर स्लाइसर अगर कोई यूज करता हूँ तो हमारा कोई फर्क नहीं होता, नहीं पड़ेगा। फिल्टर का एक हमारा ये यूज होता है कि फिल्टर का यूज हम करते हैं तब जब हमें किसी एक फिक्स कंडीशन का डेटा स्लाइसर से दूर रखना है और उसको दिखाना है तो उसको हम अलग रखते हैं। अब यहाँ पे यही यूज नहीं होता है, हम इसका यूज समराइजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ समराइजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो भी है।